चलिए अब रुक करते हैं झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झालावाड़ से, इस वक्त की बड़ी खबर झालावाड़ से। खनन माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रोबेशनल आईपीएस बुडानिया ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आहू नदी में बजरी का खनन करते 11 जेसीबी जब्त की गई, 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और 2 डंपर सहित 27 वाहनों को सीज किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की। कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है, तो लगातार खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक एस्कॉर्ट करती कार भी बरामद की गई है। तो प्रोबेशनल आईपीएस बुढ़ानिया ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा है। आहू नदी में बजरी का खनन करके 11 जेसीबी भी जब्त की गई हैं, 13 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और 2 डंपर सहित 27। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। भवानी मंडी एरिया में आहू नदी के तट पर बड़ी मात्रा में बजरी माफिया सक्रिय हो गए, फिर एक स्विंग टीम गठित करके वहां पे दबिश दी गई, तो लगभग 27 वाहनों को हमने जब्त किया है, जिसमें 11 जेसीबी, 13 ट्रैक्टर, 2 डंपर, बड़े डंपर थे, एक स्कॉर्पियो थी जो उनका स्कोर्ट करने के यूज में आती थी, 2 इंजन में 4 पंप थे जो उनकी सफाई के लिए यूज होते थे बजरी की, ये हमने वहां पे जब्त किया है। हमने जो जितने भी अपराधी मिले हैं उनपे आईपीसी और माइनिंग एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, और इस बात की तफ्तीश अभी जारी है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस माफिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इस गतिविधि में शामिल हैं। फोन लाइन पर अनीश आलम, क्योंकि जिस तरह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इन पर कार्रवाई की जाए, इस पूरी खबर में क्या अपडेट है? जी कृति, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। जैसे कि जो झालावाड़ के जो प्रोफेशनल आईपीएस अमित कुमार बुडानिया, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह से मुखबिर से इस तरह की सूचना मिल रही थी, भवानी मंडी का जो क्षेत्र है, नेहरावत की जो आहू नदी क्षेत्र है, पीपलिया आरोलिया क्षेत्र में, इसमें काफी मात्रा में, भारी मात्रा में जो खनन, जो बजरी जो खनन माफिया है वो यहाँ पर सक्रिय है, और दिन रात 24 घंटे इस नदी का ये जो चीना है वो पूरी तरह से उसको चीर के और उसमें से बजरी निकाल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने पूरा एक जाल बिछाया और चारों तरफ से घेराबंदी करके जब वहां छापा मारा तो वो भारी मात्रा में इस तरह से जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर ट्रोलियां, डंपर और यहाँ तक कि खनन माफिया इतने सक्रिय हैं कि वो जब अपने जो जेसीबी और जो इस तरह के जो खनन करते हैं तो उनके जो पूरे एरिया है उसमें एक एस्कॉर्ट गाड़ी घूमती रहती है ताकि पुलिस आए या कोई माइनिंग विभाग आए तो उनको तुरंत अलर्ट कर दे। लेकिन पुलिस को ये पूरा प्री प्लानिंग था, क्योंकि इस तरह की ये करते, इस तरह की मुखबिरी इनका सूचना तंत्र भी मजबूत है, तो उसके तहत जाल बिछा के जो आईपीएस जो प्रोफेशनल जो आईपीएस अधिकारी है अमित कुमार पुरानिया, उन्होंने पूरा जाल बिछा के और कई थानों की पुलिस और इधर से माइनिंग विभाग की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी करके और एक साथ 27 वाहन इसमें ट्रैक्टर ट्रोलियां जेसीबी जब्त किए हैं। कह सकते हैं कि ये राजस्थान में एक साथ सबसे बड़ी अभी तक की कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें एक साथ 11 जेसीबी और 13 ट्रैक्टर ट्रोलियां और 2 डंपर और एक इनकी एक्सकोर्ट कार जो इनकी रेकिंग कर रही थी उसको भी इसमें बरामद किया है। और इसमें अधिकतर क्या होता है कि इसमें अधिकतर माफिया फरार हो जाते हैं, लेकिन इसमें पुलिस को एक उपलब्धि मिली है कि इसमें 9 जो खनन माफिया, बजरी माफिया, उनको भी गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से 27 वाहन जब्त करके बड़ी कार्रवाई की है। अब देखना है कि इसमें और भी जगह अभी इस तरह से अवैध खनन हो रहे हैं तो पुलिस इसमें कितनी कार्रवाई कर पाती है, क्योंकि ये जो नेहरावत जो क्षेत्र है इसमें दिन रात इसमें जो खनन माफिया है, जो बजरी माफिया और रसूखदार भी माना जाता है, और इसमें एक जो पारस स्तर की जो एक खनन माफिया है उसको भी इसमें गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी सफलता इसमें कह सकते हैं, और अभी तक की तो ऐसा माना जा रहा है कि ये राजस्थान के अंदर इस तरह से जो 27 वाहन एक साथ, जो 11 जेसीबी है और 13 ट्रैक्टर ट्रोलियां डंपर है, तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्कुल, ये अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि एस्कॉर्ट गाड़ी भी पकड़ी गई है, लेकिन इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ये लोग बनाते हैं जहां पर इन्फॉर्मेशन पास आउट की जाती है कि रैकिंग करने के लिए आ गए हैं विभाग के अधिकारी, और फिर ये सूचना दी जाती है और ताकि ये बच जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इससे कितना असर आगे पड़ेगा?
देखो एक बहुत बड़ा असर तो है क्योंकि इतनी मात्रा के अंदर अगर जैसे 13-27 वाहन जब्त होते हैं और 11 जेसीबी, आप देख सकते हैं कि नदी का जो सीना जो जेसीबी मशीन पे जो चीरा जाता था तो उससे अंदाजा लगा सकता है कि कितने कितने भारी मात्रा में ये नदी के अंदर से इस तरह से बजरी निकाल के और माफिया इसको अवैध तरीके से सप्लाई करते थे। तो बड़ी कार्रवाई तो इसमें है क्योंकि इनकी सारी मशीन इसमें जब्त कर ली गई है और इसमें जो 9 माफिया है बजरी माफिया उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे अभी और भी जो माफिया है जो फरार हो चुके हैं तो पुलिस उनकी भी तफ्तीश कर रही है क्योंकि 27 वाहन इसमें बरामद हुए हैं तो शोर है कि इसमें 27 तो इनके जो जो इनको जो चलाने वाले थे ड्राइवर है वो भी शोर है कि कौन इनको चलाता था और कौन इसका मालिक है और कौन इसका प्रोपराइटर है तो उसकी भी जानकारी पुलिस कर रही है। तो इसमें परिवहन विभाग की भी इसमें मदद ली जाएगी कि इनके रजिस्ट्रेशन के आधार पे चेसी नंबर के आधार पे इनके किसके इनके मालिक है तो संभवतः उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उन पर भी पेनल्टी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और फिलहाल तो ये एक बड़ी कार्रवाई इसमें कह सकते हैं कि अभी इसमें पुलिस ने 9 जनों को गिरफ्तार किया है, बाकी के लोगों की गिरफ्तारी पे होना बाकी है। तो इसमें जो अमित कुमार जो आईपीएस प्रोबेशन जो आईपीएस है उनका कहना है कि हम इसमें पूरी तफ्तीश कर रहे हैं और परिवहन विभाग की भी इसमें हम मदद लेंगे ताकि इनके मालिकों का पता लग सके क्योंकि जैसे ही इसमें घेराबंदी करके और जो दबिश देकर जब इन वाहनों को जब्त किया तो कई जो खनन माफिया थे वो तो मौके से फरार हो गए क्योंकि ये जो सारी कार्रवाई हुई है ये रात्रि के अंदर हुई है तो उसका रात्रि का फायदा उठा के भी ये वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिस का पूरे से ये पूरा जाल बिछा हुआ था और इनका जो नेटवर्क जो मुखबिर जो सूचना जो तंत्र था उसको भी फेल करते हुए पुलिस ने चारों तरफ से इसमें जितने भी गांव के रास्ते थे छोटे बड़े उनमें सब में अपना पुलिस का जाब्ता बिठा रखा था। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम देकर एक बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है। अनिश, क्योंकि ये समाज की एक ऐसी बुराई है जिसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलता है कि इन खनन माफियाओं के साथ जो निचले स्तर पर अधिकारी होते हैं, आसपास के जो ग्रामीण होते हैं वो भी मिले हुए होते हैं जो इनकी मदद करते हैं। अब जो ये खनन माफिया पकड़े गए हैं, क्या इनकी ओर से कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ और नाम निकल करके सामने आ सकते हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। अनिश, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।